पॉइंट पी पर जितने फोर्स लग रही है, पी पी पर बेटा एक मिनट, पी पर कोई सोर्स चार्ज नहीं रखते हम, मेरी बात समझिएगा, पी पर हम कोई सोर्स चार्ज थोड़ी नहीं रख रहे, हम कौन रख रहे हैं, सेल्फ चार्ज, वेरी 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 स्मॉल मैग्नीट्यूड का, समझ में आ गया। तो पी वो जगह है जहां सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है, वो तो टेस्ट चार्ज थोड़ी देर के लिए सूंघने के लिए इमेजिन करते हैं बस, पॉइंट बी पे। अब आ जाओ देखिए, अब आता है एक टॉपिक। अब तक आपने देखिए क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला तो ये था ना, इक्वल टू एफ वन क्यू। फिर उसके बाद एक कंसेप्ट इसमें ये आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी होता है, लेकिन किन परिस्थितियों में, कंडीशन अप्लाइड। ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, लेकिन ये फॉर्मूला कंडीशन अप्लाइड है। क्या कंडीशन अप्लाइड है, कि यदि चार्ज अकेला हो, अकेला हो, ठीक है, अकेला हो तो ये लगाएंगे। अब आ रहा है इसके आगे की कहानी, अब थोड़ा और बढ़ाते हैं अपने लेवल को। अब हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जब चार्ज इस टाइप का पैटर्न में हो, प्लस क्यू और माइनस क्यू, मतलब जब दो चार्ज हो। अब सिंगल पॉइंट चार्ज नहीं रहना, कभी कभी चार्ज इक्वल एंड अपोजिट पेयर में आते हैं, एक प्लस का जितना हो दूसरा माइनस का उतना ही हो, तो इस पैटर्न को इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो पोल डाइपोल। अच्छा खाली ये जो था सिंगल पॉइंट चार्ज उसको मोनोपोल भी बोल देते हैं, मोनोपोल, अकेला चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज की जगह मोनोपोल वर्ड यूज कर सकते हो। लेकिन अब हम अपनी स्टडी को थोड़ा एक लेवल बढ़ा रहे हैं, एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैसे तो टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है लेकिन पहले ऐसे पढ़ाऊंगा मैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो चार्ज हो, दो डाई डाई, और दो चार्ज इक्वल भी हो और अपोजिट भी हो, उसको डायपोल बोलेंगे। यानी एग्जाम्पल ऑफ डायपोल ये हो गया, एक बार एग्जाम्पल, डायपोल ये भी हो सकता है, ये रहा प्लस टू क्यू, ये रहा माइनस टू क्यू, ये भी डायपोल है। तो जब हमें इस सिस्टम, इस पैटर्न का चार्ज डिस्कस करना पड़े तो हम उसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोल देते हैं। ये दोनों क्या है, समझ गए होगे, देखो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, क्यू क्यू, ये टू क्यू, ये माइनस टू क्यू, प्लस माइनस। तो ये क्या लिखूं मैं इसमें, एग्जाम्पल्स ऑफ डायपोल्स, ये डायपोल के एग्जाम्पल्स है। आलसी पने में हम डायपोल बोल देते हैं, पूरा नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। अरे साथ में नेगेटिव एग्जाम्पल भी आपको समझ में आने चाहिए। सपोज करो ये प्लस क्यू है और ये माइनस टू क्यू है, तो ये दो चार्ज तो है लेकिन इसे डायपोल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे डायपोल, ये अपोजिट है पर इक्वल नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, ये जो दोनों एग्जाम्पल है दीज आर नॉट डायपोल, दीज आर नॉट, चलो पूरा लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल एक स्पेशल फैशन को, स्पेशल पैटर्न को बोलते हैं, और वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न है अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज नेम्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स। ये रहा, इसमें बताओ ये डायपोल क्यों नहीं है, क्या कमी है इसमें, इसमें क्या कमी है, डायपोल क्यों नहीं पुकारेंगे, क्योंकि चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या कमी है नीचे वाले में, इसे डायपोल क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्योंकि बोलो ये डायपोल क्यों नहीं, क्योंकि ये अपोजिट साइन नहीं है। अब जैसे एक मिनट, पॉइंट चार्ज की अपनी एक इलेक्ट्रिक, जैसे ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, पर ये फॉर्मूला कहाँ है, पॉइंट चार्ज के लिए, वैसे ही डायपोल के लिए कुछ फिजिक्स आने वाली है, ऐसी कुछ फिजिक्स आती है इक्वल टू, और यहाँ कंडीशन अप्लाई आने वाली है फॉर डायपोल, समझना बेटा। अब आप क्या पढ़ने जा रहे हो अगले कुछ दिन, अगले कुछ दिन क्या पढ़ने जा रहे हो, जैसे ये इसमें क्या कंडीशन अप्लाइड है फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज, कि ये सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला है। अब अगले कुछ दिन आप ये पढ़ने जा रहे हो कि डायपोल की कहानी ई इक्वल टू दिस होगी, डायपोल यदि है, मतलब तभी सेशन में होगा जब डायपोल सब पूरा नहीं पढ़ पाया।
जैसे आप ये बताओ E इक्वल टू सॉरी वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, एक हो गया कहानी। फिर मैं वॉल्यूम लिखूं 4/3 पाई आर क्यूब। तो बताना यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड है सिलेंडर के लिए, यहाँ कंडीशन अप्लाइड है स्फीयर के लिए। तो अब कुछ फॉर्मूले आप पढ़ने जा रहे हो डायपोल के लिए, समझ में आ गया होगा कि अब क्या पढ़ाएंगे सर। ठीक है, बहुत आसान फिजिक्स मिलेगी इसकी तो डायपोल की, इंपॉर्टेंट और आसान, बशर्ते आपने आज की और कल की क्लास जो हो गई है वो ढंग से पढ़ी हो। तो इलेक्ट्रिक डायपोल अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, बस इतनी डेफिनेशन है, इतनी ही डेफिनेशन है डायपोल की। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट नोट करते चलते हैं ना, सुनते चलते हैं, वो है एक नोट ये ना, सपोज करो प्लस क्यू। वैसे देखो डायपोल ये भी है, डायपोल ये भी है, फिर एक और भी बना सकते हो 3q-3q, डायपोल वो भी है, पर ये स्टैंडर्ड डायपोल होता है। स्टैंडर्ड डायपोल मतलब जैसे मैं आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर सिखाया जाता है, आपको ये सिखाया जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद तो आप ये तो कभी भी सीख जाओगे, समझना बेटा, आप ये सीखो ये तो कभी भी सीख जाओगे, ये भी अपने आप मैनेज कर लोगे। समझ गए या नहीं समझ गए, बताओ इन तीनों में स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा, कौन सा याद करना चाहिए बच्चे को, पहला दूसरा तीसरा? ऑब्वियसली पहला, भैया आजाद वो डायपोल बहुत दूर, अभी वेट करो सब बताता हूँ, ठीक है अभी सब बताता हूँ, वेट कर। तो यानी वैसे ही, तो जैसे ये पहला फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो भले ये भी डायपोल है ये भी डायपोल है, पर हम जो फिजिक्स सेट करेंगे जो पढ़ेंगे स्टैंडर्ड, वो इसके लिए पढ़ेंगे। अब कुछ बातें आप ना अपने आप ही प्रेशर बना ले, जो मेरा बोलने का पढ़ने का वेट ही नहीं कर रहे हो, आगे आगे बढ़ रहे हो। बेटा मैंने क्या बोला, अब देखिए और थोड़ा डायपोल की डेफिनेशन, इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। डेफिनेशन में एक शब्द और जोड़ रहा हूं, कैप एट फाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, फाइनाइट डिस्टेंस। देखो जैसे ये पॉइंट चार्ज है, एक चौक का टुकड़ा ये रहा, एक ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, ये हो गया डायपोल, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस फाइनाइट हो, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट बोल रहा हूं, मतलब डायपोल तब कहा जाएगा जब उनके बीच में कोई फाइनाइट डिस्टेंस हो। ये नहीं कि एक यहां रखा है एक अलीगढ़ में रखा है, क्योंकि एक यहां और एक अलीगढ़ में रखा होगा तो उनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं हो सकता। और डायपोल को, डायपोल फिर से सुनो, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कैप्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। फाइनाइट वर्ड बोलने का मतलब यहां सिर्फ यही है कि दोनों चार्ज आपस में कुछ तो इंटरेक्ट करें, एक दूसरे की रेंज में हो ये दोनों चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब उन दोनों डायपोल का मतलब कतई ये नहीं है कि एक प्लस क्यू यहां मथुरा में रखा है मेरे घर में, एक माइनस क्यू अलीगढ़ रखा है, तो इसे डायपोल नहीं बोलेंगे। बाकी तीनों देख, ये भी डायपोल है, ये भी डायपोल है, ये भी डायपोल है, ये भी डायपोल है, ये भी डायपोल, ठीक है ना, यानी डिस्टेंस मैटर नहीं करेगी, बस इतनी डिस्टेंस हो कि कुछ इंटरेक्ट करे। अब अगला नोट, वेट कर बेटा सब बातें आएंगी। नोट एक क्वेश्चन करते हैं, चलो थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं ना, नोट बताऊंगा। क्वेश्चन ये, इफ q1 + q2 इक्वल टू जीरो है, व्हाट डज q1 + q2 इक्वल टू जीरो सिग्निफाई, व्हाट डज q1 + q2 इक्वल टू जीरो सिग्निफाई। क्वेश्चन मैंने लिखा कि यदि q1 + q2 जीरो है तो ये क्या मतलब कह रहा है, तो आंसर सॉल्यूशन आंसर देखिए, सिंस q1 + q2 इक्वल टू कितना है जीरो, इसका मतलब यहां पे ले जाओ एक किसी चार्ज को वहां ले जाओ, तो ये क्या आ रहा है, इसका क्या मतलब निकला कि साला ये दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में, सेंटेंस पूरा करो, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन इन दोनों चार्जों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन, लपेटे में आ गए बेटा कई लोग लपेटे में आ गए, डायरेक्शन नहीं होती चार्ज में, चार्ज में थोड़ी नहीं डायरेक्शन होती, इसलिए ठीक है ना, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ये दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए थी, मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है,
साइन अपोजिट है, अपोजिट साइन के हैं। मतलब सोचो, यदि ये प्लस टू, क्यू टू की वैल्यू प्लस टू है तो क्यू वन की वैल्यू माइनस टू, तो इसका मतलब ऐसा तो साला डायपोल में होता है। अब सुनो, यदि क्यू वन प्लस क्यू टू इक्वल टू जीरो है तो क्यू वन इक्वल टू माइनस क्यू टू, दैट इज इट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। वो बीच वाली लाइन आपको घुसानी हो तो घुसा देना, दैट इज दीज टू चार्ज आर इक्वल एंड अपोजिट, खाली अपोजिट बोल दो, डायरेक्शन नहीं होती। तो यानी एक चीज और हमें पता चली, बताइए डायपोल, ये जो पूरा सिस्टम है इस पर नेट चार्ज कितना हुआ? डायपोल पर नेट चार्ज जीरो होता है, ध्यान रखिएगा, डायपोल के दोनों चार्ज जोड़ दिए जाए तो जीरो होता है, यानी दैट इज नॉट, दैट इज फॉर डायपोल। ये आलसी बने में डायपोल डायपोल चिल्ला रहा हूं, पूरा नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। फॉर डायपोल सिग्मा क्यू इक्वल टू जीरो, डायपोल पर कोई भी नेट चार्ज नहीं होता बेटा। चलिए फिर आ जाइए, आगे बढ़ रहा हूं मैं, अगला नोट। डायपोल जब, ये दो मैंने क्या बोला, डायपोल की परिभाषा में एक साफ क्या लिखा हुआ है, इक्वल हो, अपोजिट हो और फाइनाइट डिस्टेंस हो। आप बताओ फाइनाइट डिस्टेंस से पूछ करो, डिस्टेंस को पास लाऊंगा तो और अच्छा इंटरेक्शन, और अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा। तो डायपोल जितना पास आता है, चार्ज चार्जेस जितना पास आएगा, चार्जेस जितने पास आएंगे डायपोल के बीच, चार्जों के बीच में इंटरेक्शन उतना ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो जितने अब पास आएंगे, पास आएंगे, पास आएंगे, पास आएंगे और अच्छा इंटरेक्शन, पास आएंगे और अच्छा, पास आएंगे और अच्छा, तो डायपोल जितना छोटा होगा उतना वो अच्छा माना जाता है। तो यानी यदि आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल डायपोल, ये शायद आपका क्वेश्चन भी है, चौदहवा क्वेश्चन, चौदहवा क्वेश्चन है व्हाट इज आइडियल डायपोल, तो इसमें आंसर सिर्फ ये लिखना है, जितने भी शॉर्ट डायपोल होते हैं, शॉर्ट, द शॉर्ट डायपोल्स आर कॉल्ड आइडियल। तो वहां लिख लेना अपनी शीट में, कहीं पे भी क्वेश्चन 14 का आंसर लिख लो, ठीक है क्या। देखो ये डायपोल अच्छा है तो ये और अच्छा हो जाएगा, ये और अच्छा हो जाएगा, ये भाई भाई मजा आ गया सुपर, ये और अच्छा, और जब बिल्कुल ही हो जाएंगे, जितना बिल्कुल शॉर्ट होते चले जाएंगे उसको आइडियल बोलते हैं। अब सुनो एक और चीज, एक और चीज, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं डायपोल, जैसे एक बार हम स्फीयर का वॉल्यूम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास स्फीयर की मैथमेटिक्स है। अब जहां कहीं भी स्फीयर आएगा तो 4/3 पाई आर क्यूब लगा देंगे, जहां सिलेंडर आएगा वहां पाई आर स्क्वायर एस लगा देंगे, तो जहां डायपोल आएगा वहां वो फिजिक्स लगा देंगे जो अगले कुछ दिन आप पढ़ने जा रहे हो। डायपोल एक स्टैंडर्ड अरेंजमेंट होता है। अब जैसे सपोज करो आपको सर HCl मॉलिक्यूल पढ़ा रहे हैं, तो सर इसकी केमिस्ट्री तो पढ़ाएंगे, लेकिन अब फिजिक्स देखना, H पे जितना प्लस है Cl पे उतना माइनस है, तो ये अपने आप में एक डायपोल मॉलिक्यूल है, डायपोल अरेंजमेंट है। देखो HCl, ये फिजिक्स अपने नजरिए से देखेगी, फिजिक्स बेटा आप नजरिया चेंज हो गया, HCl को केमिस्ट्री वाले सर केमिस्ट्री की नजर से देख रहे हैं, लेकिन फिजिक्स वाले देखो एक बार, एक सबका नजरिया कैसे अलग अलग हो सकता है। एक पार्क में सुबह सुबह कुछ लोग टहलने गए है ना, वहां कुछ चिड़ियाएं चहचहा रही थी, हाँ बेटा पार्सल पे भी आऊंगा मैं, चिड़ियाएं चहचहा रही थी, अब सुर मिलाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो एक जो रामलीला में रोल प्ले करता था, रामलीला अरेंजमेंट भी करता था, वो क्या कहता है, वाह कितना सुंदर मौसम है, अरे देखो ये चिड़ियाएं कितनी प्यार से कह रही हैं, राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ, कितने प्यार से चहचहा रही है, राम सीता दशरथ, मतलब चिड़ियाओं के चहचहाने को उसने ऐसे डिकोड किया, राम सीता दशरथ। वहां एक बंदा पहलवान टाइप का वर्जित कर रहा होगा, है नहीं, ये अबे ये चिड़िया राम सीता दशरथ नहीं, ये चिड़िया राम सीता दशरथ नहीं, ये दंड बैठक दशरथ कह रही है। अब उसने अपने तरीके से उसको डिकोड किया, राम सीता दशरथ नहीं, दंड बैठक दशरथ, दंड बैठक दशरथ, आप उसमें लड़ने लगे, ना 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 राम सीता दशरथ, दंड बैठक दशरथ, तो वहां से एक पद्धति वाला डाल रहा होगा, उसने अपने क्या बोला पता है, ये चिड़ियां बड़े प्यार से, ना तो राम सीता दशरथ ना दंड बैठक दशरथ, ये बोल रही है प्याज लहसुन अदरक। तो तीनों का मेंटल लेवल अलग, अपने अपने हिसाब से अपने नजरिए से देखा, तो वही चीज इसे केमिस्ट्री वाले अपने नजरिए से देखेंगे, हम इसे राम सीता दशरथ, ये हम प्याज लहसुन अदरक। तो HCl मॉलिक्यूल में HCl जो मॉलिक्यूल है
हम उसे डायपोल की नजर से देखेंगे, डायपोल के लिए। तो चलिए, तो अब मैं क्या बता रहा था, हाँ वो नोट तो मैंने बता दिया। अब एक और चीज, ये रहा सपोज करो प्लस क्यू और ये रहा माइनस क्यू, ये कौन है भाई साहब? ये डायपोल भाई साहब, पूरा अरेंजमेंट डायपोल कहलाता है, भले ही अकेला पॉइंट जा रहा है, पूरा अरेंजमेंट डायपोल। अब डायपोल की अपनी एक कुछ छोटी छोटी डिक्शनरी, यदि दोनों डायपोल के चार्जेस को मिलाते हुए एक लाइन खींच दी जाए तो उस लाइन को एक्सियल लाइन बोलेंगे हम, एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। क्या बोलेंगे? एक्सियल लाइन। मैंने क्या बोला? यदि डायपोल के दोनों चार्जों को मिलाते हुए आगे बढ़ाते हैं। बेटा डायपोल तो ये भी हो सकता है ना, इधर सुनना सब लोग, ये रहा प्लस क्यू, ये रहा माइनस क्यू, इन दोनों चार्जों को यदि मैं मिला दूं तो इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस ऑफ डायपोल सिस्टम इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। और जो लाइन इन दोनों चार्जों को एग्जैक्टली मिड पॉइंट से और बाय परपेंडिकुलर भी होगी, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये वाली, समझ गए? यानी यदि इधर से लेंथ एल और ये भी लेंथ एल, एल दिखाने का जो पर्पस है मेरा वो ये कि बीचों बीच जा रही है परपेंडिकुलर, तो इसे वो नाम तो आप बोल ही सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका एक और नाम है इक्विटोरियल लाइन। क्या नाम बोलेंगे? इक्विटोरियल लाइन। वैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हो। अच्छा ये बताओ, अर्थ होती है इसको इक्वेटर बोलते नहीं बोलते? इक्वेटर क्या करती है? इक्वेटर अर्थ को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। ये लाइन दो बराबर इससे, एक पॉजिटिव साइड वाला और एक नेगेटिव। भाई इसमें दो पोल होते हैं नॉर्थ साउथ, इसमें दो पोल पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो ये डायपोल की अपनी डिक्शनरी है। क्या डिक्शनरी? की अरेंजमेंट ऑफ टू इक्विवेलेंट अपोजिट साइड डायपोल, लाइन जो छूते हुए जाएगी दोनों चार्जों को वो एक्सियल लाइन, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगी उसे इक्विटोरियल लाइन बोलेंगे। डायपोल पर नेट चार्ज कितना होता है? जीरो। डायपोल जितना छोटा हो उतना अच्छा माना जाता है। ये डायपोल क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपोजिट तो है पर इक्वल नहीं है। ये क्यों नहीं है डायपोल? इक्वल है पर अपोजिट नहीं है। अब आ जाओ, इतना स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी लो, फिर आगे बढ़ रहा हूं। हो गया? चलिए, अब ये जो डायपोल है, थोड़ा सा और पढ़ लो। मैंने कहा ना ये स्टैंडर्ड डायपोल तो बहुत सारे बना सकते हो आप अपने आप, लेकिन ये स्टैंडर्ड डायपोल होता है। अब देखिए, ये रहा प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ओके। अब एक वर्ड आ रहा है डायपोल के बाद, अच्छा ये भी डायपोल है, ये प्लस टू क्यू और ये माइनस टू क्यू, तो डायपोल तो ये भी है, डायपोल तो ये भी है। अब कोई बार लो किसी स्कूल में पढ़ रहा है, यदि कोई बच्चे जा रहे हैं किसी स्कूल में तो वो भी स्टूडेंट है उस स्कूल का, वो भी स्टूडेंट है। लेकिन फिर भी हर स्टूडेंट के गले में एक आइडेंटिटी कार्ड लटका देते ना, उसकी पहचान बताने के लिए। तो अब डायपोल ये भी है, डायपोल ये भी है, दोनों ही डायपोल है, ठीक है, दोनों डायपोल है। तो एक उन दोनों में मतलब आइडेंटिटी कार्ड से क्या मतलब होता है, ताकि पहचान सकें कि ये इसी स्कूल का, ऐसी कॉलेज का विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। तो वैसे ही आज का वीडियो डाल दो। अब बेटा वीडियो डालने की रस्म खत्म कर रहा हूँ बेटा, लेकिन कन्हैया तू मुझे डाल देना वीडियो। अब ये वीडियो डालने की रस्म मैं पर्सनल डालूंगा, जिनकी फीस मुझसे होगी, ठीक है। ये जो वीडियो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ ना, ये रस्म मैं खत्म कर रहा हूँ। हाँ तो तू टीना क्यों टेंशन ले रही है, पर्सनल डाल दूंगा मैं, पर्सनल रिक्वेस्ट करना, पर्सनल डाल दूंगा, ठीक है, नो लास्ट टाइम। चलिए तुम मुझे फीस दो, मैं तुम्हें वीडियो दूंगा। ये किसने कहा है? वास्तु नोज ने नहीं, फिर इतराज सर ने कहा है, तुम मुझे फीस दो मैं तुम्हें फिजिक्स दूंगा, ठीक है। अच्छा अकाउंट डिटेल नहीं भेजी मैंने, तो दोबारा मांग लेना, भेज दूंगा, ठीक। फिलहाल तो बेटा देखो, ये भी डायपोल है, ये भी डायपोल है, लेकिन हमें खूब पता है ये दोनों डायपोल एक से नहीं है, ये दोनों डायपोल एक से नहीं है। तो अब हमने इनका बनाने जा रहे हैं आइडेंटिटी कार्ड। भाई ये डायपोल अलग है, ये तो ये अलग है, ये अलग है, इनका आइडेंटिटी कार्ड बनाने जा रहे हैं। उस आइडेंटिटी कार्ड को डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बोलते हैं।
यानी वही मेजरमेंट, बेटा और राजा बेटा। कल बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है? एक कंसेप्ट है, बस डेफिनेशन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज है? एक मेजरमेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या चीज है? एक डेफिनेशन है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? उस डेफिनेशन का मेजरमेंट है। तो अब एक वर्ड मैंने जोड़ दिया इलेक्ट्रिक डायपोल में, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जो ये बताएगा आइडेंटिटी कार्ड है डायपोल का। अब बताओ इन दोनों डायपोलों में क्या अंतर दिख रहा है, या दो डायपोलों में इसमें और इसमें क्या डिफरेंशिएट होगा? एक तो इन दोनों के चार्जेस अलग अलग है, इसमें क्यू क्यू चार्ज है, इसमें टू क्यू चार्ज है। दूसरा, इनके बीच में डिस्टेंस भी अलग है। तो जो डायपोल मूवमेंट की डेफिनेशन है, पी मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज, ध्यान रखना बाकी डेफिनेशन तो आपको नोट में मिली जाएगी प्रॉपर। जो डायपोल मूवमेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कोई सा भी चार्ज ले लेना, मैग्नीट्यूड आइदर चार्ज। भैया यदि वो डायपोल है तो दोनों के मैग्नीट्यूड तो बराबर हो गई होंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सुनेंगे बेटा, एक डायपोल से दूसरे डायपोल में जब आप यू यू करके देखोगे ना, तो यही दो अंतर मिल सकते हैं। या तो उनके चार्जेस में अंतर होगा, या उनके डिस्टेंस में अंतर होगा, या दोनों चीज में अंतर होगा। जैसे इस चार्ज पैटर्न है क्यू क्यू माइनस क्यू, इसमें टू क्यू माइनस टू क्यू, या तो चार्जेस में अंतर होगा, या डिस्टेंस में अंतर होगा, या दोनों में अंतर होगा। तो समझ में आ गया। तो पी इक्वल टू ये क्या चीज है, पी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक बेटा वीडियो में कोई इश्यू आ रहा है? मैं बस ज्यादा से ज्यादा अपनी स्पीड आपको भेज सकता हूँ। वीडियो में कोई इश्यू आ रहा है? नहीं आ रहा बेटा, नहीं आ रहा बेटा। हालांकि जियो का फाइबर कुछ दिन से दिक्कत आप लोगों को भी दे रहा है क्या? जियो का फाइबर है ना? नहीं, वीडियो क्लियर है। वैसे जिनके यहाँ जियो का फाइबर लग रहा है उन्हें बताएंगे मुझे, दिक्कत दे रहा है क्या आपके यहाँ एयरटेल का? चलो कोई नहीं। हाँ, कुछ दिन से जियो कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन अभी सही आ रहे हैं मेरे सिग्नल। चल बेटा थोड़ा सा और पढ़ ले, थोड़ा सा और पढ़ लो, फिर छोड़ रहा हूं मैं आपको, ठीक है? वो ये मैंने आपको क्या बताया, अब इस डायपोल आइडेंटिटी कार्ड से दो बच्चों में लटकाया जाता है, भाई नाम बताओ, सरनेम बताओ, क्लास बताओ। तो इसमें बस दो चीजें देखनी है, या तो इनके मैग्नीट्यूड में अंतर होगा, या डिस्टेंस में, या दोनों में। तो डायपोल मूवमेंट की जो डेफिनेशन फिजिक्स ने तैयार की है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखिए इस वाले डायपोल में मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज कितना है, क्यू, और डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, एल। ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। क्या हो गया ये? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। किसी भी, अब इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकालना हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू जो भी डिस्टेंस होगी, जो भी डिस्टेंस सवाल में होगी, ठीक है? अब आ जाओ एक चंटपना, जो फिजिक्स एक चालाकी, एक चंट, वो ये बेटा, जब मैं आपको डायपोल से जान पहचान करा रहा हूं, सर डायपोल के डेरिवेशन करेंगे। तो जब हम डायपोल के डेरिवेशन करते हैं ना, तो हमें इसको बीच में से आधा करना पड़ता है। इक्विटोरियल लाइन जब खींचते हैं, जैसे ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इक्विटोरियल लाइन खींचते हैं तो ये आधा कर देता है। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल वाई टू, ये कितनी हो जाएगी, एल वाई टू, ये एल वाई टू, ये एल वाई टू। तो पता है वो डेरिवेशन में थोड़ा सा परेशान करती है, एल वाई टू डेरिवेशन में थोड़ा परेशान करती है। तो पता है हम चालाकी, देखना होशियारी हमारी, हम पहले से ही डिस्टेंस 2L मान लेते हैं। समझना, इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से बचने के लिए, क्योंकि कल मैं डायपोल को काटूंगा जिससे ये एल वाई टू हो जाएंगे, तो एल वाई टू डिस्टेंस में थोड़ा परेशान करेंगे हमको डेरिवेशन में। तो हमने पहले से ही डिस्टेंस क्या मान लिया है, 2L। तो जब आप आधा करोगे तो ये L, ये L। मेरी बात फिर से सुनना, डेफिनेशन वही है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम नहीं बोला मैंने, डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन आगे आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए, जैसे हम वैक्सीनेशन लगा रहे हैं ना मोदी जी, वैक्सीनेशन आगे आने वाली समस्याओं से, तो ये वो वैक्सीनेशन है कि आगे जाके तुम्हें ये एल वाई टू को लगना नहीं पड़ेगा। तो पहले से ही डिस्टेंस हमने किस टोन में मान रखी है, टू के मल्टीपल में, टू एल। तो इसलिए क्योंकि फिगर में मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज क्यू है और फिगर में डिस्टेंस बिटवीन देम 2L है। तो बोलो ये बात समझ में आ गई कि डायपोल में हम डिस्टेंस पहले से ही 2 के मल्टीपल में मान लेते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम।
क्योंकि फिगर में मैग्नीट्यूड क्यों दिख रहा है, क्योंकि फिगर में डिस्टेंस 12 दिख रही है, तो ये पी। अब पी की यूनिट और डायमेंशन आपके लिए कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन एक और चीज फिजिक्स में डायपोल यदि प्लस क्यू और माइनस क्यू ऐसे पड़ा है, और प्लस क्यू और माइनस क्यू ऐसे पड़ा है, वही डायपोल है लेकिन पड़ा हुआ है ऐसे, इसमें पड़ा हुआ है ऐसे, इसका भी बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। यानी यदि डायपोल ऐसे रखा है तो ये कुछ और रिजल्ट देगा, और ऐसे रख दिया घुमा दिया तो इसके रिजल्ट कुछ और आने लग जाते, ऐसे कुछ और आने लग जाते हैं। इसका मतलब डायपोल में नेचर वेक्टर जैसा है, इसका ओरिएंटेशन आप वेदर पे वेट एंड वॉच अपने आप पता चल जाएगा। हाथ कंगन को आरजी क्या, पढ़े लिखों को भारती क्या, इस चीज का आपको कल से पता चल जाएगा कि डायपोल ऐसे रखोगे तो अलग रिजल्ट देगा और ऐसे रखोगे तो अलग रिजल्ट। यानी डायपोल को वेक्टर धर्म अपनाने की आदत है, वेक्टर धर्म लेके पैदा हुआ है ये। इसका मतलब इन वेक्टर फॉर्म पी बराबर क्यू इंटू टू एल, ये तो पढ़ लिया, इसकी चांस पर डंडा करना है। लेकिन यदि आप ये तो ठीक है, लेकिन ऐसे डंडा करोगे तो या तो इधर एन कैप लगाओ कुछ भी, या फिर इधर एल की चांस, एल कहते हैं चलो मेरी चांस पे डंडा कर लो, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। और इसकी जो डायरेक्शन है पी की, वो कन्वेंशनली पहले से फिक्स कर दी है, जैसे टेस्ट चार्ज फिक्स कर दिया है ना डेफिनेशन में कि पॉजिटिव ही होना चाहिए। इट्स अ डायरेक्शन, इसे रट लेना बेटा, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज, सुन लो अब इसे रट लेना, फिक्स कर दिया फिजिक्स ने ताकि भसड़ पैदा ना हो। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव। मतलब ये मेरे पास ब्लू कलर की चौक है थोड़ी सी शायद, लेकिन वाइट ही दिखती है ना, ये डायपोल नेगेटिव ये रहा, पॉजिटिव ये रहा। मैं एक गौर से देखना, एक एरो खींचा है मैंने, देखो ये एरो किधर से किधर खींचा है, ये एरो किधर से किधर खींचा है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ये कन्वेंशनली फिजिक्स ने अपनी मीटिंग में फिक्स कर रखा है कि आज से जैसे कानून बना लिया है कि पी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी पी वेक्टर की, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ही लेंगे। यानी एक बार फिर से देखिए, ये रहा हमारे पास माइनस टू क्यू चार्ज, ये रहा प्लस टू क्यू चार्ज, बताइए ये डायपोल है या नहीं, ये डायपोल है या नहीं, डायपोल बोलो बोलो है। अब इस डायपोल की जो डायरेक्शन होगी वो यू होगी, बताओ मैंने किधर से किधर खींची है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये रटनी है बेटा आपको, ये स्टैंडर्ड जैसे सात फंडामेंटल बनाइए। अब एक बार बताओ, लेंथ की बहुत सारी यूनिट है, मीटर इंच सेंटीमीटर फुट लाइट ईयर, लेकिन फिजिक्स ने कुछ सोच के ये कर दिया चलो सेट कर देते हैं, ऐसा यूनिट को मीटर बना देते, एक स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है ना, वैसे तो यूनिट बहुत है, तो वैसे ही डायपोल की डायरेक्शन पहले से ही फिक्स कर दिया है, ठीक है ना। बताना यदि एक और चीज नहीं वही चीज सॉरी, ये रहा माइनस चार्ज और ये रहा प्लस चार्ज, ये डायपोल है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, दिस इज पी वेक्टर। इसका मतलब कल को यदि कोई एरो ऐसे खिंच रहा है और ये कह रहा है कि मैं पी वेक्टर का एरो हूं, तो बताओ ए पर नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव होगा, ए पर यदि कोई एरो ऐसे खिंच रहा है डायपोल का, ए पर समझ जाना नेगेटिव चार्ज है और बी पर पॉजिटिव चार्ज है। डायपोल की डायरेक्शन कन्वेंशनली सेट कर दी गई है, इट इज ऑलवेज ये वेक्टर फॉर्म है, इसके जलवे वेक्टर जैसे हैं, इसके नखरे वेक्टर जैसे हैं, नहीं तो कल ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है कल ही पता चल जाएगा जिसके नखरे। अच्छा एक मिनट सुनो, केवल क्या होता है स्केलर और वेक्टर में केवल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का अंतर नहीं होता है, डायरेक्शन तो करंट में भी है, फिर वो वेक्टर क्यों नहीं है। अच्छा ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, ढूंढ के लाना, और मैं देखो अलग से यदि मैसेज कर सको तो मैसेज करके बताना कि करंट में तो डायरेक्शन होती है फिर भी वो वेक्टर नहीं है, तो केवल डायरेक्शन होने ना होने। अब मैं अपना नाम शाहरुख खान रख लूंगा, दो तीन बार करने लग जाऊं तो फिर मैं उसकी लेवल पे थोड़ी नहीं पहुंच जाऊंगा, तो वही चीज केवल डायरेक्शन होने से, ठीक है। तो आज की क्लास, आज के समाचार मैं खत्म करता हूँ, ठीक है। हाँ बेटा यश ने ठीक आंसर दिया, बाय बाय बेटा, कल वही सेम टाइम सेम चैनल 6:30 बजे। इतना लेकिन पढ़ के आएंगे, जितना आप साथ साथ पढ़ोगे
जितना साथ साथ पढ़ोगे। क्वेश्चन ये है कि करंट में डायरेक्शन होती है फिर भी वो वेक्टर क्यों नहीं है, करंट तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो होती है ना, क्वेश्चन ये है मतलब ऐसी। हाँ हाँ बेटा यस सही हो आप, ऐसे लेना है लो बेटा। नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा, नोट तो है आपके पास? अभी तो है नोट बेटा, जब जरूरत पड़ेगी भेज दूंगा नेक्स्ट, जब जरूरत पड़ेगी तो नोट में भेज दूंगा आगे। बाय बाय बेटा, वीडियो देखता हूँ बेटा, ठीक है बाय बेटा।